हर हर महादेव। कोई पूछ रहे थे कि हम जो है बालकों को सुबह सुबह जगाते हैं पढ़ने के लिए, क्या जगा सकते हैं क्या? हमने सुना है कि भाई नहीं जगाना चाहिए किसी को, तो देखिए इसका उत्तर देखिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया गया है कि किन किन को जगा देना चाहिए और किन किन को कभी नहीं जगाना चाहिए। ध्यान से सुने ये जो है, तो सबसे पहले बतला रहे हैं कि किन को जगा देना चाहिए। विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुधार्थो भय कातर भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधये। सप्त सुप्तान प्रबोधये, इन सातों को, इन सात सोते हुओं को जगा देना चाहिए, जिसमें है विद्यार्थी, विद्यार्थियों को जगा देना चाहिए, सेवका सेवक को जगा देना चाहिए। तो क्या सेवक को कभी सोने ही नहीं देना चाहिए? अगर अभी अगर प्रसंग उठता है कि सेवक अगर सोए सोई जगा दो, सोने मत दो उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी को जगा दो, विद्यार्थी सोए नहीं क्या? मतलब जब इनका समय हो, विद्या पढ़ने का समय है और वो सो रहे हैं तो उनको जगा दो। तो विद्यार्थी सेवक, सेवक की सेवकाई का समय है, उनकी सेवा का समय है, तब उनको जगा देना चाहिए। अपनी ड्यूटी पूरी करके और वो सो रहा है तब नहीं जगा देना चाहिए। विद्यार्थी सेवक पान था। इसी तरीके से राहगीर, जिसको राह तय करनी है तो उसको जगा दे, अगर वो तय करके आ गया तब नहीं। क्षुधार्तः, कोई भूखा व्यक्ति है उसको जगा देना चाहिए। कब? जब उसको खिलाने की व्यवस्था हो तब। ऐसे ही आपने जगा दिया तो वह और परेशान होगा। तो क्षुधार्तः भय कातर, यदि कोई भय विह्वल सो गया है तो रात्रि में भी डरेगा, उसको स्वप्न आएंगे, उसको जगा देना चाहिए और उसका भय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। और भंडारी माने भंडारा बनाने वाले हलवाई लोग, ये इनका समय हो गया है, लोग आ जाएंगे, ये बना नहीं पाएंगे, तो इनको जगा देना चाहिए। और भंडारा अगर करके सबको बना करके पवा करके सो रहे हैं तो है ना, खिला पिला करके, तब नहीं जगाना चाहिए। प्रतिहारी, प्रतिहारी माने होता है मांगने वाला, है ना, और अथवा प्रतिहारी का एक अर्थ और किया है जो प्रहरेदार। तो कोई मांगने वाला व्यक्ति भिक्षुक है, भिक्षुक को भी जगा दे, वो अपने कुछ मांग करके ले जाके अपने बच्चों को खिलाएगा, और यहाँ वो सो गया तो फिर वो वहां बच्चे भूखे होंगे ना। इसी तरीके से प्रतिहारी कोई प्रहरेदार है तो प्रहरेदार को भी जगा देना चाहिए। कोई ड्यूटी कर रहा है, सो गया है भाई जान, तो उसको जगा दो, अरे भाई आपका समय है, आप जागिए। सप्त सुप्तान प्रबोधये, इन सातों को जगा देना चाहिए। वैसे शास्त्रों में नियम है कि किसी को सोते हुए जगाए नहीं कभी भी, परंतु इन लोगों को जगा सकते हैं क्योंकि इनका कार्य है, तो कोई दोष नहीं है। अब कहते हैं महान निषेध। सामान्य निषेध होता है किसी को नहीं जगाए, फिर ये विधि बताई, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव, यानी निषेध का निषेध, यानी विधि, ये जगा सकते हैं। अब कह रहे हैं महानिषेध, इनको तो कभी नहीं जगाना भूल करके भी, ऐसे लोगों को गिनाया जा रहा। अच्छा हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अहिम नृपंच शार्दूलम कीटंच बालकं तथा परस्वान मूर्खंच सप्त सुप्तान न बोधये। अहिम, अगर कोई सांप सो रहा है, नाग सो रहा है, तो उसको नहीं जगाना चाहिए। नृप, कोई राजा या कोई बड़ा आदमी सो रहा है, उसको नहीं जगाना चाहिए। शार्दूल, कोई शेर सिंह सो रहा है, व्याघ्र आदि, तो उसको नहीं जगावे, चुपचाप निकल लो, आफत खड़ी कर देगा, पता ही आपको क्या कर देगा। अहम नृपंच शार्दूलम कीटंच, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर सो रहा है, पड़ा हुआ है चेत अवस्था में, उसको जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पता नहीं, हो सकता है जहरीला हो, प्रकृति बहुरूपा है, कैसा है उसकी प्रकृति है, कोई गुस्सा हो जाए, कोई काट कूट ले, तो इसलिए नहीं जगाना चाहिए। बालकं तथा, और बालकों को भी नहीं जगाना चाहिए। बालक बड़ी मुश्किल से सोते हैं, सो रहे हैं ठीक है, वो जल्दी जग भी जाते हैं, उनको अपनी निद्रा से ही जागना चाहिए, उनको नहीं जगाना चाहिए। परस्वान, परस्वान माने दूसरे का कुत्ता, अगर कोई गलत मान है तो भाई जगा के देख लेना इनमें से किसी को। कोई कहे कि भाई ऋषियों की वाणी ठीक नहीं है, तो इसमें जो जितने भी मना किए गए उनको आप जगा के देखना। सिंह को जगाना, दूसरे कुत्ते को सोते हुए को लात मार देना, तो बतला देगा, इसलिए ये नहीं जगाना चाहिए, मना किया गया ना।